जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत ककड़ीपाड़ा से कल जिला प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से बनाए गए 8 मकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया था। जबकि गांव वालों का कहना है कि हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं और कुछ लोगों का पास बंदोबस्ती है, जबकि कुछ लोगों को बंदोबस्ती पट्टा बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासन उन्हें निर्गत नहीं किया है। आज ककड़ीपाड़ा के लोग उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे और जमशेदपुर उपायुक्त से वैकल्पिक व्यवस्था करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि इस चिलचिलाती धूप में हमारे घर तोड़ दिए गए, तो हम जाएं तो जाएं कहां, और ये लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। सिलाई विधानसभा गोविंदपुर ठाकरीपाड़ा का मामला है। ये मामला जमीन संबंधित है। कुछ लोगों को, क्योंकि ये लोग जो है अनुसूचित जाति से आते हैं, तो इनको बंदोबस्ती का पट्टा कुछ लोगों को मिला था और कुछ लोगों को नहीं मिला है, जिसकी मगर जिसकी सूची बाध्य बन के रखा हुआ है, रेडी है, मगर इन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो हम लोग आज उपायुक्त महोदय से वही निवेदन करने के लिए आए हैं कि जिनको अभी तक बंदोबस्ती का पट्टा नहीं मिला है उनको उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये लोग वो अंतिम व्यक्ति है जिनके पास एक दो रोटी भी बहुत मुश्किल से आती है। कभी कमाते हैं, कभी खाते हैं, नहीं तो कभी भूखे सो जाते हैं। ऐसे स्थिति में छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास में, अगर इनका घर टूट जाएगा, घर चल जाएगा, तो ये व्यक्ति किसके पास जाकर रोएंगे। आज हम लोग यही आए हैं, हम लोग मैडम से यही गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हमें जीवन दान दिया जाए। अगर आप मेरा घर तोड़ देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे और हम बरसात में कहाँ रहेंगे, क्योंकि किस प्रकार का धूप गिर रहा है आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।